आपका स्वागत है मेरे प्रिय मित्रों हमारे इस चैनल पर। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल एडिशनल ज्ञान। तो दोस्तों, इस वीडियो में उन चार ग्रहों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि हैं सूर्य, मंगल, बुध और शनि। सूर्य, मंगल, बुध, शनि, ये चार ग्रहों के कारण यहाँ चतुर्ग्रह योग बनता है दोस्तों। तो इस चतुर्ग्रह योग जिनके भी हॉरोस्कोप में हैं, जिन नारी या पुरुष के हॉरोस्कोप में ये चार ग्रह हैं, तो इनका क्या फल हो सकता है एकत्रित होने से। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं शास्त्र की सम्मति से। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में, क्या इंडिकेट करता है, इस पर जानते हैं। तो दोस्तों शास्त्र यहाँ पर कहता है, अरकार की बुध भूमानम योगे योद्धा कवर्जन मंत्री चा भूपतिस्तीक्ष्णो नीचा चारोपी जायते। दोस्तों शास्त्र यहाँ पर कहता है सूर्य, मंगल, बुध और शनि के योग से जातक जो है शूरवीर होता है, वीर होता है, शूर होता है, अपने जीवन में हर किसी कार्य को पूर्ण करने वाला और जल्दी से किसी से घबराने न वाला, बहुत पक्के और तगड़े दिल का मालिक होता है। जिसके कारण जो है बहुत सारे ऐसे कार्य जो लोग नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति उन कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऐसे व्यक्ति लेखने में, लिखने में, कविता बनाने में, सॉन्ग्स बनाने में, या कवि हो सकते हैं, कविता को बोलने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। इनके अंदर गुण, ये कलात्मक गुण इनके अंदर हो सकते हैं। ये किसी राज्य में किसी मंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं, या फिर एक राजा के समान इनके पास वैभव, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश्वर्य, नेम फेम इनके पास होता है। लेकिन प्रकृति इनकी, इनकी जो प्रवृत्ति है वो उग्र प्रकार की होती है, थोड़ा बहुत ही हाई टेम्परेचर माइंड और जल्दी से हाई टेम्पर्ड इनका जो है माइंड होता है, और थोड़ा कुछ आचरण, कुछ ऐसे काम करने की आदत इनकी होती है जिसकी वजह से, या कुछ ऐसे गुण इनके अंदर हो सकते हैं जिसके कारण जो है सामने वाला जो है, देखने वाला जो है, काफ़ी निंदित इनको समझे। तो ये था शॉर्ट में फल इन चार ग्रहों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।